लग रहे हैं बॉलीवुड सितारों के पैर, आइए बात करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फिल्म पुष्पा के डायलॉग्स और गाने के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम गाना ट्रेंड कर रहा है। जिसे भी देखो वह कच्चे बादाम पर नाचते हुए नजर आ रहा है। आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी इस पर जमकर रील बना रहे हैं। लेकिन ये गाना क्या है, किस भाषा में है, अचानक यह कहाँ से आया और इसे किसने गाया है? आपके मन में उठने वाले इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि हमारा पहला वीडियो आपको सबसे पहले आप देखें हमारे चैनल पर, और कमेंट लाइक करना ना भूलें प्लीज़। चलिए बात करते हैं। दरअसल कच्चा बादाम असल में गाना नहीं है और इसे गाने वाला कोई सिंगर नहीं है, बल्कि मूंगफली बेचने वाला है। जी हाँ, एक मूंगफली विक्रेता ने कच्चा बादाम कुछ इस तरह गुनगुनाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मूंगफली बेचने वाले इस शख्स का नाम भुवन बदायकर है। भुवन बदायकर पश्चिम बंगाल के कुरालजुरी गाँव के रहने वाले हैं और वह ऐसे ही गाने गाते हुए मूँगफली बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मूंगफली का बादाम से क्या संबंध है, तो बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मूंगफली को बादाम कहा जाता है, इसलिए भुवन कच्ची मूंगफली को बादाम, कच्चे बादाम कहकर बेच रहे हैं। और मामूल वो सुबह से लेकर शाम तक 300 रुपये केवल कमाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और बने रहिए ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए।